आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड, हमारा एक क्वेश्चन है टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ केवल सर्किट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लेट पॉइंट ए से करंट पास हो रहा है और पॉइंट बी तक जा रहा है। अगर हम इस सर्किट को देखते हैं तो इस सर्किट में एक्सिस ऑफ सिमेट्री दिखाई देती है हमें, वर्टिकल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अगर पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों एक दूसरे के मतलब वर्टिकल एक्सिस ऑफ सिमेट्री से देखें तो पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों सेम है, सिमेट्रिक पॉइंट हैं। और तो वर्टिकल एक्सिस सिमेट्री की थ्योरम से हमें पता चलता है कि अगर कोई रेसिस्टेंस, दो रेसिस्टेंस सिमेट्रिक रेसिस्टेंस हैं तो उनमें करंट सेम पास होगा। जैसे कि अगर यहाँ से करंट आई वन जाता है तो वो आई वन करंट ही इससे पास होगा। इसका मतलब है कि इस जंक्शन पे करंट जो इधर से आ रहा है वो इसी सर्किट में पास होगा, ना कि इधर को डिवाइड हो जाएगा। तो अगर हम इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का सर्किट बनाते हैं तो वो सर्किट बनेगा, ये रेसिस्टेंस, ये अबव रेसिस्टेंस और ये दोनों ऊपर वाले के पैरेलल में है। ये रेसिस्टेंस और मिडिल लाइन ऐसे ही रहेगी। ये रेसिस्टेंस जैसा सेम ऊपर है ऐसा ही सेम सर्किट नीचे आ जाएगा। पी पॉइंट, ए पॉइंट, सपोज मैं सभी रेसिस्टेंस को मानता हूँ कि ये आर है। आर की वैल्यू खैर यहाँ पे दी हुई है 10 ओम, बट लेट वी कंसिडर्ड आर। तो अब अगर मैं ये मैंने माना इस सर्किट को पूरे को फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, अगर मैं पहले को ही सोल्व करता हूँ पहले, तो इसमें क्या होगा, आर ये रेसिस्टेंस और ये दोनों पैरेलल में है, ये फिर सीरीज में है, ये सीरीज, ये पैरेलल, फिर ये सीरीज, तीनों मतलब सीरीज है। तो इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आ जाएगा आर, दिस आर प्लस ये टू आर इंटू आर बाई थ्री आर। पैरेलल में इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ये होगा प्लस आर, जो हमारा आ जाएगा टू आर प्लस टू आर स्क्वायर बाई थ्री आर। और सोल्व करेंगे इसे तो थ्री आर सिक्स आर स्क्वायर प्लस टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू एट आर स्क्वायर बाई थ्री आर, एट आर बाई थ्री आर, एट आर बाई थ्री। सेम रेजिस्टेंस थ्री का भी आ जाएगा, ये वन का सेम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस थ्री का भी एट आर बाई थ्री। एंड सेकेंड दोनों सीरीज में है तो आर प्लस आर टू आर। अब ये तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है एक दूसरे के, तो पैरेलल का फॉर्मूला लगाकर वन अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा वन अपॉन टू आर प्लस वन अपॉन एट आर बाई थ्री प्लस वन अपॉन एट आर बाई थ्री, विच विल बी इक्वल टू वन अपॉन टू आर प्लस, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो थ्री बाई फोर आर एंड टू प्लस थ्री बाई फोर आर इज इक्वल टू फाइव बाई फोर आर। और हमारा रेसिस्टेंस आर इज इक्वल टू है 10, तो टोटल रेसिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4, ये वन अपॉन आर इक्विवेलेंट है, तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4 आर बाई फाइव इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 10 बाई 5 इज इक्वल टू 8 ओम। तो ये हमारा आंसर हो गया। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।